सबसे पहले सभी को ईद मुबारक। आज हम बात करेंगे मौलाना हबीबुल रहमान से। अभी हम आपको बता दें हसनपुरा नगर पंचायत में मौजूद हैं और आपको बता दें कि कल ईद होने वाली है और ईद को लेकर खास तौर पे लोग जानना चाहते हैं किस ईदगाह से कितने बजे नमाज अदा किया जाएगा, उसी को लेकर हम खास तौर पे मौलाना हबीबुल रहमान से बात करेंगे। कौन से ईदगाह में कितने बजे से कितने वक्त से ईद का नमाज अदा किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हसनपुरा की जो जामा मस्जिद है उसके ज़रिए से ऐलान किया गया है कि हसनपुरा का जो ईदगाह है मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुकद्दस के पास, उसमें 7:15 बजे ईदुल्फ़ितर की नमाज़ अदा की जाएगी और जो खानकाही छोटी मस्जिद है उसमें 7 बजे ईदुल्फ़ितर की नमाज़ अदा की जाएगी। यही जामा मस्जिद से ऐलान हुआ, हसनपुरा की जामा मस्जिद बड़ी मस्जिद से यही ऐलान किया गया है, टाइम यही रखा गया है। ईद के मौके पे आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ईद के मौके पर हम ये पैगाम देना चाहेंगे, ये मैसेज देना चाहेंगे कि ईद असल में रमज़ान मुबारक का महीना जो हम रोज़े की हालत में गुजारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान जैसा अजीम त्यौहार, अजीम परब और ये इबादत का एक हसीन मौका मुसलमानों को अता फरमाया। इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को ईद जैसा एक हसीन मौका और त्यौहार अता फरमाता है। ईद असल में रमज़ान मुबारक के ज़रिए और रमज़ान मुबारक के महीने में जो हम इबादत करते हैं उसके बदले में ये खुशी का मौका अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है, गोया उसकी मजदूरी हमें दी जाती है और रोज़े की बदले में अल्लाह तबारक व ताला हमें रमज़ान ये ईदुल्फ़ितर की नमाज़ अदा करने का मौका अता फरमाता है। ईदुल्फ़ितर के ज़रिए, ईद सईद के ज़रिए हम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि कल जिस तरीके से हम आपस में भाईचारगी का पैगाम देते हैं, उस तरीके से अपने अगल बगल मोहल्ले इलाके तमाम रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके पास हम जाएं, अपनी भाईचारगी का सबूत पेश करें। जो भी हमारे दरवाजे पर आए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, एक इंसानियत के नाते, एक हिंदुस्तानी होने की वजह से हम सबको सेवैया खिलाएं, भाईचारगी का सबूत पेश करें और आपस में अखलाक मोहब्बत के साथ रहने की कोशिश करें। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान रज़वी, हसनपुरा सिवान।